गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल IBTS यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस द यूनियन बजट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनियन बजट 2022 टू 23 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो यूनियन बजट हर साल क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो एक बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो फिर बजट में हम लोगों के पास क्या होता है, जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो बजट है उसके बारे में पता चल पाएगा कि हम लोग बजट में क्या क्या करने वाले हैं। तो बजट होता क्या है आपका, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा एक ब्रीफिंग देख लेते हैं बजट के बारे में। बजट आपका एक तरह से एक एस्टीमेट होता है। ठीक है, बजट एस्टीमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में आपका क्या होता है, पेरेंट्स जो वो काम करते हैं कहीं पर, अगर मान लो जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उनको कुछ सैलरी मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, उनको एक बजट प्रिपेयर कर लेते हैं वो, कि हमारी जो एक महीने की इनकम है वो 25,000 50,000 इतने रुपए हैं। ठीक है, और हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पर होगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होगा, तो क्या हो गया, एस्टिमेटेड ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो यही क्या होता है, आपकी जो भारत सरकार है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो भी क्या करती है, वो एक एस्टिमेट बनाती है। ठीक है, एक एस्टिमेट बनाएगी जिसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का एक एस्टिमेट तैयार करेगी गवर्नमेंट। कैसे, कि हमारे पास, गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और गवर्नमेंट उस पैसे को उस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, आपका जैसे आपको पता होगा एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सबको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। जैसे हमारा नॉर्मल ईयर है, हमारा नॉर्मल ईयर कब से स्टार्ट होता है, हमारा नॉर्मल ईयर होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो वैसे ही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष, वो कब से कब तक स्टार्ट होता है हमारा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो सरकार भी जो हमारा ये बजट है, जैसे अभी हम लोग 2022 में है, तो सरकार एक साल आगे का बना रही है ना, एक साल 2023 तक का वो एक एस्टिमेट तैयार कर रही है कि मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और मैं उस पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी। ठीक है, तो यूनियन बजट 2022-23 पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। एक और चीज, जो इस बार का बजट है आपका, आपको पता ही होगा जो आपका बजट होता है उसको कौन पेश करता है। ठीक है, जो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी, तो वो क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया, बजट पेश किया 2022-23 का। तो जो जब वो भाषण दे रहे थे अपना, और आपको ये भी पता होगा कि बजट आपका कहाँ पर दिया जाता है, पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर स्पीच दी जाती है। तो जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया, आपका बजट की जो स्पीच थी उसमें एक वर्ड का यूज किया, जिसका नाम, कौन सा वर्ड था वो, अमृतकाल। ठीक है, अमृतकाल आप लोगों ने देखा, सुना भी होगा पहले, एक जगह आपका अमृत महोत्सव वर्ड यूज हुआ है और एक जगह अमृतकाल वर्ड यूज हुआ है आपका। तो अमृत महोत्सव जो था वो पिछले साल आपका, सॉरी इससे पिछले साल आपके प्राइम मिनिस्टर जी ने यूज किया था हमारा, क्योंकि 75th ईयर इंडिपेंडेंस जो था हमारा देश मनाने जा रहा था, 75वां सालगिरह जो थी हमारी आजादी की, तो उसी को नाम दिया उन्होंने अमृत महोत्सव। ठीक है, उसके बाद आता है एक वर्ड, ये अमृतकाल जो हमारे बजट में यूज हुआ है। अमृतकाल क्यों वर्ड यूज किया गया है आपका, तो अमृतकाल वर्ड हमारा इसलिए यूज किया गया है, 75 ईयर, ठीक है, 75 साल आपके आजादी के पूरे हो चुके हैं, और जो ये गवर्नमेंट का बजट है ना, 75 साल से लेके 100 साल, जब हम आजादी के 100वें साल में पहुंच चुके होंगे, ठीक है, 100th ईयर जो हमारा इंडिपेंडेंस का है, जब हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो 25 सालों का जो टारगेट है, ठीक है, वो इस यूनियन बजट 2022-23 के अंदर रखा गया है। 2022-23 में ये बोला गया है कि आने वाले 75 साल तो अभी तक पूरे हो चुके हैं, ठीक है, तो आने वाले जब हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे होंगे, तब तक गवर्नमेंट के क्या क्या लक्ष्य हैं, ठीक है, क्या क्या एम रख रही है गवर्नमेंट की, आने वाले 25 सालों में हम जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जो भारत के लोग हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं देंगे, या हमारा जो गवर्नमेंट, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से मूव ऑन करेगी आगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अमृतकाल का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, तो गोल्स ऑफ अमृतकाल, क्या क्या मेन गोल रखे गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या क्या गोल रखे गए हैं। सबसे पहला है आपका फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। ठीक है, तो हमारा जो भारत सरकार है उसने जो पहला फोकस रखा है वो किस चीज के ऊपर है आपका, ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। इंक्लूसिव वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, वेलफेयर मतलब सबका, सबको साथ लेके चलना। ठीक है,
तो इंक्लूसिव मतलब सारे सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, जैसे आपको पता होता है जो हमारा एक समाज बनता है ना सोसाइटी, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोगों को साथ लेके चलना है, ठीक है। और क्या है, फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस देना है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इकोनॉमी में क्या चीज चलती है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और एक होता है आपका इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, महंगाई और देश की आर्थिक तरक्की कैसे हो रही है। तो ग्रोथ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है, अगर कभी भी किसी के पास में ना मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है अगर मार्केट के अंदर, तो हमारी महंगाई बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रिजर्व बैंक होते हैं वो क्या करता है, मनी की सप्लाई को कम कर देता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे रेपो रेट, SLR, CRR वगैरह, तो उससे क्या करता है RBI, जो मनी की सप्लाई होती है मार्केट के अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही मनी की सप्लाई मार्केट से अब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो लोगों के पास क्या होगा, खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा, और क्या होगा, उनके पास में डिमांड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपकी महंगाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। बट इसके साथ साथ में क्या होता है, जब आपकी महंगाई कम होगी, क्योंकि RBI ने क्या किया, पैसा खींच लिया मार्केट के अंदर से, तो अब होगा क्या, क्योंकि RBI ने पैसे को खींच लिया मार्केट से, तो उसकी वजह से लोगों के पास में इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, और अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्रोथ भी रुक जाएगी, ठीक है, देश की जो आर्थिक तरक्की है वो भी रुक जाएगी। तो अब यहां पे जो मेन पॉइंट है उसमें क्या बोला है, फोकस ऑन ग्रोथ, तो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि फोकस ऑन ग्रोथ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, वो इस साल क्या करेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट में इनफ्लो करने की कोशिश करेगी, ताकि कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। बट इससे दिक्कत क्या होगी, अगर आप लोगों ने कभी जब बजट पेश हुआ होगा तो अगर आपने न्यूज वगैरह देखी होगी तो उसमें ऐसा बोला जा रहा था कि बजट तो बहुत अच्छा है, बट इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है मार्केट में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है मार्केट में तो उससे महंगाई आना, महंगाई का जो डर है वो शुरू हो जाता है, महंगाई आना शुरू हो सकती है उसकी वजह से। तो यहां पर भी यही दिक्कत है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, फोकस ऑन ग्रोथ, तो हम लोगों को इसी पॉइंट से समझ आ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करेगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मनी का इनफ्लो मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा करेगी। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है इसमें, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, ठीक है, सब लोगों को, जितने भी आपके डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको हम लोगों को साथ लेके चलना है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस तरह की डेवलपमेंट लेके आनी है जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उस तरह से हम लोगों को अपनी कंट्री को क्या करना है, डेवलप करना है। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट आपके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि हम लोग क्या करें, ट्रांजिट करें, ठीक है, जो हमारे पहले से कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्स, जैसे हम लोग कोयले से जो बिजली थी वो बना रहे थे, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको चेंज करके हम लोग क्या करें, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात चल रही है, ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में बात चल रही है, तो वो क्या है आपका यूनियन बजट के अंदर आपका सेकंड गोल है कि हम लोगों को क्या करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है एंड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी जैसे सोलर एनर्जी और हमारी हाइड्रोजन एनर्जी, इन सारी एनर्जीज को हम लोग यूज करेंगे तो उसके उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज जो इतनी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमारी, हमारे सामने, गवर्नमेंट के सामने या पूरी दुनिया के सामने, कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसी ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं आपके अब, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी कार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी एमिशंस कम होंगी, इससे हम लोग अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन गोल रहेगा अमृतकाल के अंदर गवर्नमेंट का। थर्ड आता है आपका वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसी साइकिल तैयार करेंगे, साइकिल का मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव में एक होता है ऐसे RRR, ठीक है, रिसाइकल रीयूज वाली, जो आपका एक प्रॉपर साइकिल बनती है इस तरह से, ठीक है, कि कोई भी वेस्ट आता है उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है, फिर से उसको रीयूज किया जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की एक साइकिल तैयार की जाएगी, क्राउडेड इन बाई पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी एक क्या किया जाएगा यहां पर, क्राउडेड
सॉरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपकी एक क्राउडेड इन बाई पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक साइकिल क्रिएट की जाएगी यहां पर। ठीक है, अब आपके पास ना दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपके पास क्राउडेड इन इफेक्ट और एक होता है आपके पास क्राउडेड आउट इफेक्ट। तो क्राउडेड इन इफेक्ट का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। क्राउडेड इन इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को मान लो जरूरत पड़गी पैसे की, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करती है मनी मार्केट से। ठीक है, मार्केट से पैसा खींचती है। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इकोनॉमी पढ़ी है, बेसिक्स आपको पता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड इशू करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या करती है, गवर्नमेंट जितना भी मार्केट के अंदर पैसा है उसको बोरो कर लेती है, सक कर लेती है वहां से। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, अब क्राउडेड इन में क्या होगा, आपका जो गवर्नमेंट होगी ना वो सारा का सारा पैसा जो है वो सारा मार्केट से खींच लेती है अपने काम के लिए। बट अब उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर मान लो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट मार्केट से खींच लेगी वहां से, तो जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। प्राइवेट प्लेयर कहां से इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट वाले भी तो लोन लेने के लिए मार्केट में ही जाते हैं। अगर मार्केट में पैसा नहीं बचेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको बोला गया क्राउडेड इन। और क्राउडेड आउट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, क्राउडेड आउट इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट बोरो करती है, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो पैसा मार्केट से खींचेगी उस पैसे को इस तरह से मार्केट में यूज करेगी, जैसे मान लो क्राउडेड आउट इफेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा मार्केट से खींच लिया। ठीक है, अब उस पैसे को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ठीक है, या आपका कोई रेल लाइन बिछ रही है या कोई पावर हाउस लगाना है, इस तरह से इन्वेस्ट करेगी ताकि वहां से क्या हो जाए, वहां से डिमांड जनरेट हो। जैसे आप देखते हैं हम लोग रियल एस्टेट एक सेक्टर है आपका, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं आपके। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा बोरो कर लिया, गवर्नमेंट ने सारा पैसा खींच लिया मार्केट से। अब जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज बनाना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टीज बनाना शुरू कर दिया, या आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनमें पैसा पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दिखेगा कि यार यहां पर क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब इसकी डिमांड है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, तो हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल को जब लोग खरीदने के लिए आएंगे तो हम अपने प्रॉफिट पे उनको ये सारे के सारे घर जो हैं या जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो बेच सकते हैं। तो क्राउडेड आउट में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सक कर रही है पैसा मार्केट से। ठीक है, क्राउडेड इन में भी कर रही थी, पर क्राउडेड इन में क्या हो रहा था, जो पैसा गवर्नमेंट बोरो कर रही थी वहां पर जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो नहीं क्रिएट हो पा रहा था, बट क्राउडेड आउट में क्या हो जाएगा, वहां पर आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो यूनियन बजट के अंदर किन चीजों के ऊपर मेन चार प्रायोरिटीज रखी गई हैं, फोर प्रायोरिटीज हैं आपकी यूनियन बजट में 22-23 का जो बजट है आपका। सबसे पहला जो है वो है आपका पीएम गतिशक्ति। ठीक है, पीएम गतिशक्ति, तो पीएम गतिशक्ति से आप क्या समझ रहे हो, यहां पर पीएम गतिशक्ति जो है आपका एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या किया गया है आपका, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके जैसे गवर्नमेंट होती है उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है, ताकि एक डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए आपका हाईवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, कहीं पर आपका हाईवे रोड बन रहा है, अब मान लो बीच में यहाँ पर कहीं कोई फॉरेस्ट आ गया या कोई नेशनल पार्क आ रहा है उसके बीच में। ठीक है, जहां से भी आपका नेशनल हाईवे जो है वो गुजरना है या जहां पर भी आपका नेशनल हाईवे बनना है वहां पर दिक्कत क्या आ गया, वहां पर कोई नेशनल पार्क है, तो अब अगर मान लो आपको वहां से सड़क लेके जानी है वो, तो आपको क्लियरेंस चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री से, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से, कि आपको पेड़ काटने हैं वहां पर। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री क्या बोलेगी कि नहीं सर वहां पर नेशनल पार्क है, हम लोग यहाँ पर पेड़ काटने की परमिशन नहीं दे सकते आपको। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। ठीक है, रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि 2 साल के अंदर अंदर हम लोग ये नेशनल हाईवे जो है ये काम कर देंगे, अब नेशनल हाईवे तो 2 साल के अंदर काम हो जाना था पूरा, बट बीच में क्या आ गया, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट है, जंगल है वहां पर, या आपका नेशनल पार्क है, उसकी वजह से जो आपका एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने क्लियरेंस नहीं दिया, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो आधे में ही लटक गया। तो इसीलिए आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया पीएम गतिशक्ति। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी मिनिस्ट्रीज हैं जो साथ में क्या करेगी, कोलैबोरेट करेगी एक दूसरे को, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेगी, अगर कोई मिनिस्ट्री अच्छे से काम कर रही है उसके बीच में कोई दूसरी मिनिस्ट्री का जो सिस्टम है वो बीच में उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है वहां पर, तो मिनिस्ट्रीज दोनों आपस में बैठेंगी कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उसी का नाम है आपका पीएम गतिशक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट। प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट से आप क्या समझते हो, जैसे जैसे कोई भी इंसान काम कर रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक इनपुट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी काम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं कुछ, और उसके बदले में हम लोगों को क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ठीक है,
क्या होगा, इनपुट ताकि उतनी रहेगी, मतलब मेहनत हम लोग उतनी करें बट आउटपुट जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा मिले हम लोगों को रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है, ठीक है। जो भी हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है किसी भी चीज की, प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, इनपुट उतनी लगे, ठीक है। इनपुट कॉस्ट में कोई मतलब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करेंगे हम लोग, इनपुट जितनी हम लोग लगा रहे थे उतनी इनपुट लगाएंगे, बट जो हमारी आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है एक सनराइज अपॉर्चुनिटी। अब ये सनराइज अपॉर्चुनिटी क्या है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, अब क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित होती जा रही है, ठीक है। पहले हम लोग ऐसे घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, ठीक है, उसका गाड़ियां आना शुरू हो गया, मेट्रो ट्रेन रेल्स, ठीक है, हवाई जहाज, तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है आपके पास, ठीक है। तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि पहले आप लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते थे, जैसे कोल से एनर्जी बन रही है आपकी, हाइड्रो पावर पानी से, जैसे डैम से आप लोग बिजली बनाते हो, ठीक है, वो क्या है, हमारे सारे के सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं आपके, जैसे टेस्ला कंपनीज आ गई, ठीक है, तो क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। उसके बाद आपके हाइड्रोजन एनर्जी के रिसोर्सेज आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन से हम लोग अब हम लोग ऐसी गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड कार्स आ रही हैं जो आपकी पेट्रोल से भी चल रही हैं और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही हैं, तो वो क्या है, सारी की सारी आपके पास एक तरह से सनराइज अपॉर्चुनिटीज हैं जो धीरे धीरे ग्लोबली क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में किसी को नहीं पता था, अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स जैसे भारत ने और फ्रांस ने किया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सूरज की जो किरणें आती हैं उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट करेंगे। तो सारी की सारी क्या है आपके पास, सनराइज अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आता है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपके जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज थे उनको हम लोग चेंज करके अब क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो आपके हैं, ठीक है, जैसे आपकी ग्रीन एनर्जी आ गई, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये ग्रीन एनर्जी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है क्लाइमेट एक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे तो क्लाइमेट जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा जो क्लाइमेट है वो तेजी से बदल रहा है, उसको हम लोग रोक पाएंगे, ठीक है। जो हम लोगों को दिक्कत आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, ये सरकार ने बोला है इस बजट के अंदर, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या चीज बोली गई है आपकी, प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो इस बजट में ये बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो अगर आपने शायद सुना भी होगा, 1-2 साल पहले का करंट अफेयर्स था, उसमें बोला गया था कि नेचुरल फार्मिंग से खेती करने वाली पहली स्टेट कौन सी थी, तो आई थिंक सिक्किम, सिक्किम थी शायद। तो उनमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर भी जो बजट है उसमें क्या बोल रहा है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ताकि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनका हम लोग कम से कम यूज करें और नेचुरल फार्मिंग जो है उसको स्टार्ट करें, ठीक है, विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। तो जो भी आपकी जमीन है गंगा नदी के किनारे, वहां पर हम लोगों को क्या करना है, नेचुरल फार्मिंग करनी है, ठीक। उसके बाद बोलता है प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कोई भी क्रॉप हम लोग, ठीक है, खेतों में हमारे पास कोई भी क्रॉप है, चाहे वीट है, मेज है, कोई भी है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना है, जो पोस्ट हार्वेस्ट उसकी कटाई के बाद, जैसे गेहूं काट दिया हम लोगों ने, उसके बाद उसमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी गेहूं है, ठीक है, अब गेहूं आपकी कितने रुपए किलो है, मान लो 50 रुपए किलो मान के चलते हैं हम लोग, आपकी गेहूं जो है वो 50 रुपए किलो है। अब क्या हुआ, अगर मैं उसमें वैल्यू ऐड करता हूँ, उस गेहूं को लेके जाता हूँ और उस गेहूं से क्या करता हूँ, बिस्किट बना देता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, चीनी भी लगेगी, ठीक है, लेबर भी लगेगी मेरे पास। अब जो 50, जो 1 किलो गेहूं थी उसके बदले मेरे पास कितने रुपए आ रहे थे, 50 रुपए। अब वही पर क्या हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊंगा, मैंने बिस्किट बना दिया उस 50 किलो गेहूं से, ठीक है, तो वहां पर जो मुझे फायदा मिलेगा, वहां से मुझे 50 रुपए मिल रहे थे, वहां पर मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो वो क्या हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन। कोई भी जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें आप क्या कर रहे हो, वैल्यू एड कर रहे हो, ठीक है। कंजप्शन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स।
हम लोगों को क्या करना है, जैसे आपको पता होगा आपकी वीट होती है, बार्ले होता है, ठीक है, मेज होता है, एक मिलेट होती है, ठीक है। मिलेट किसको बोलते हैं, ग्रेन साइज, जो मोटे मोटे दाने वाले अनाज होता है ना, उसको मिलेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंजप्शन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके जो मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजप्शन करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कंज्यूम करें आपके मिलेट प्रोडक्ट्स को, और उनकी क्या करनी है, ब्रांडिंग, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है आज के टाइम पे ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, होता है ना कि अगर किसी कंपनी का एक तरह से नाम चल गया ना कि हाँ यार ये तो ब्रांड है, चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो इतना ज्यादा, बट लोग क्या करेंगे, देखा देखी में क्या ये ब्रांड है, अच्छा कोई बात नहीं तो हम लोग इसको खरीदेंगे। तो क्या हो गया कि जो आपके मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, और उनकी क्या करनी है, मिलेट प्रोडक्ट्स की हम लोगों को ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। तो ये इसमें लक्ष्य रखा गया है आपका यूनियन बजट 2022-23 के अंदर। उसके बाद आपका आता है डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाई टेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड, ठीक है। ये पीपीपी मोड क्या होता है, ट्रिपल पी मोड, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले क्या होता था कि सारा का सारा काम जो था सरकार करती थी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पब्लिक मोड, मतलब गवर्नमेंट के पास, जैसे आप लोग देखते होंगे पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो वहां पर सारा का सारा काम कौन करता है, आपका गवर्नमेंट करती है। पब्लिक प्राइवेट मतलब आपका सरकार आएगी कुछ हिस्सेदारी, जैसे मान लो अगर कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट लगाना है 500 करोड़ का, तो 250 करोड़ कौन देगा, सरकार, और 250 करोड़ क्या करेगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लो मेरे पास अगर 50 करोड़ है, कोई और आ गया उसके पास 50 करोड़ है, तो उन लोगों ने इन्वेस्ट करके कितना कर दिया, 250 करोड़ वो लोग कर देंगे, 250 करोड़ आपका गवर्नमेंट कर देगी। तो इसी को बोला जाता है ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर भी ये बोल रही है गवर्नमेंट कि हम लोगों को क्या करना है, नए नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, बट नए नए हॉस्पिटल सिर्फ सरकार ही नहीं बनाएगी, इसको कौन से मोड पे रन किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सरकार भी पैसा लगाएगी, पर जो आपकी प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी क्या करेंगी, इसमें पैसा लगाएंगी। तो